अत्यधिक फीस बढ़ोतरी से के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय दड़ुही परिसर के गेट पर ताला लगा दिया। सुबह 8:30 बजे ही कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी अंदर नहीं जा सकते थे। बताया जा रहा था कि हाल ही में तकनीकी विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा फीस में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने विरोध स्वरूप ये कदम उठाया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के इकाई उपाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि हाल ही में तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा फीस में अत्यधिक बढ़ोतरी की गई। पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस में बढ़ोतरी की जाती रही है, लेकिन इस बार तो उन सुविधाओं के भी फीस वसूली जा रही है जो विद्यार्थियों को मिल ही नहीं रही है। इंटरनेट की सुविधा विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है, जबकि ये फीस अभी तक उन पर लागू की गई है। इसके अलावा ट्यूशन, लाइब्रेरी, मेडिकल, यूनिवर्सिटी, एनुअल इंश्योरेंस, लगभग हर फीस में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फाइनल ऑफिसर की तरफ से जल्द ही बैठक किए जाने की बात कही गई है। आश्वासन मिलने के बाद विश्वविद्यालय परिसर का गेट का ताला तो खोल दिया गया और चेतावनी भी दी गई कि यदि आगामी दिनों में फीस बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। नमस्कार, मैं महेश कुमार, इकाई उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय को शुरू हुए 11 वर्ष हो चुके हैं। 2018 से 8 पाठ्यक्रम तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर चलाए जा रहे हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा जो है हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय छात्रों से वसूलने का काम कर रही है। मैं बात करता हूँ एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट की, तो एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट से जो छात्रों से जो है 35-35 हज़ार रुपये फीस वसूली जा रही है। बात करता हूँ एमएससी एनवायरनमेंट की, तो एमएससी एनवायरनमेंट के छात्राओं से भी 35-35, 34-34 हज़ार रुपये फीस वसूलने का काम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ एमबीए डिपार्टमेंट की, तो एमबीए डिपार्टमेंट में से भी 25-25, 26-26 हज़ार फीस वसूलने का काम हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कर रहा है। अब आज विद्यार्थी परिषद ने ताला लगाकर यूनिवर्सिटी को बंद करके विद्यार्थी परिषद ने नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के साथ अन्य जो छात्र थे उन्होंने भी अपनी कक्षाओं को बहिष्कार करके हमारे साथ नारेबाजी की। जब हमारे नारेबाजी के बीच में जब फाइनेंस ऑफिसर आते हैं तो हमारे से बातचीत करते हैं, तो फाइनेंस ऑफिसर जी हमारे को सिर्फ आश्वासन देते हैं कि मंडे तक जो है हम मीटिंग करेंगे और आपका जो है जो ये मांगे हैं उनको वहीं रखेंगे और आपके फीस स्ट्रक्चर को कम किया जाए करेंगे। अगर हम जब कहीं और भी बात करने के लिए जाते हैं, तो जैसे हमने रजिस्ट्रार साहब से बात करनी होती है, तो आप अभी तक जो था रजिस्ट्रार साहब आए नहीं है, वो ना एकेडमिक डीन आए हैं, वो उनको आने का कोई समय तक नहीं है। वो कभी 1 बजे चले होते हैं, कभी 2 बजे चले होते हैं, आज तो अभी तक नहीं आए हैं वो। विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि जल्द से जल्द फीस स्ट्रक्चर को कम किया जाए, फीस को कम किया जाए, और जो फंड हमारे से इंटरनेट फंड, एमलगामेटेड फंड, इंटरनेट फीस जो वसूली जा रही है, जो सुविधा हमारे हमारे छात्राओं को नहीं दी जा रही है, इनको जो है कम किया जाए। विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है। अगर विद्यार्थी परिषद की मांग को ये पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में विद्यार्थी परिषद जो है उग्र आंदोलन करेगी और तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने का काम करेगी।